हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए टॉपिक है वो है अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। सभी जीवधारियों में वातावरण के अनुसार अपने शरीर रचना को जो ढालने की क्षमता होती है उसे हम अनुकूलन कहते हैं। सभी जीवधारी वातावरण के अनुसार अपनी शरीर रचना को वातावरण के अनुरूप ढाल लेते हैं, इसे हम एडेप्टेशन या अनुकूलन के नाम से जानते हैं। देखिए, सभी जीवधारियों में सीधे चलते हैं, सभी जीवधारियों में वातावरण के अनुसार दैहिक यानी कि सोमेटिक और कार्यिक यानी कि फिजियोलॉजिकली चेंज आ जाते हैं, जिनके कारण सभी जीवधारी उत्तम प्रकार से यानी कि भली भांति जीने में सक्षम होते हैं, इसको हम अनुकूलन कहते हैं। देखिए, अनुकूलन जो है, अगर कोई जीव जाति एक ही वातावरण में रहती है, जिस वातावरण में रहती है, पहले से ही जिस वातावरण में रह रही हो, ये जीव जाति है और इसी वातावरण में रह रही है, तो इस वातावरण के प्रति अगर इस जीव जाति में अनुकूलन होगा, अनुकूलन इस वातावरण के प्रति डेवलप हो जाता है जीव जाति में, तो इस ऐसे अनुकूलन को हम पोस्ट अनुकूलन या पश्च अनुकूलन कहते हैं, पोस्ट एडेप्टेशन या पश्च अनुकूलन के नाम से जानते हैं। अगर कोई जीव जाति जिस वातावरण में रह रही है और दूसरे वातावरण के प्रति उसमें अनुकूलन डेवलप हो जाता है, एक वातावरण में रहती है और अनुकूलन दूसरे वातावरण के प्रति उत्पन्न हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं किसी जीव जाति में, तो और वो जीव जाति दूसरे वातावरण में ही पहुंच जाती है, तो इस प्रकार का जो एडेप्टेशन है, अनुकूलन है, उसे हम अग्र अनुकूलन या प्री एडेप्टेशन के नाम से जानते हैं। देखिए, एडेप्टेशन का जो आधार है वो आनुवंशिकीय होता है। इस बात को जोशुआ लेडरबर्ग और एस्थर लेडरबर्ग ने बताया अपने रेप्लिका प्लेटिंग प्रयोग द्वारा, रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट द्वारा इन्होंने इस बात को सिद्ध किया। इन्होंने, जोशुआ लेडरबर्ग और एस्थर लेडरबर्ग ने ई कोलाई नामक बैक्टीरिया में अनुकूलन का जेनेटिक बेसिस प्रदर्शित किया। आइए देखते हैं इन्होंने अपने प्रयोग में किस प्रकार अनुकूलन को सिद्ध किया। अब देखिए, इससे पहले हम आपको बताएंगे कि सिंपसन ने 1953 में जो अग्र अनुकूलन है, प्री एडेप्टेशन है, इसको भविष्यात्मक अनुकूलन का नाम दिया। अग्र अनुकूलन को सिंपसन ने क्या कहा? भविष्यात्मक अनुकूलन, प्रोस्पेक्टिव एडेप्टेशन के नाम से इसको बताया। अब देखते हैं लेडरबर्ग का प्रयोग। देखिए, लेडरबर्ग का रेप्लिका प्लेटिंग प्रयोग क्या था? लेडरबर्ग ने क्या किया? ई कोलाई नामक बैक्टीरिया का कल्चर किया और बैक्टीरिया के इस कल्चर को अगर अगर की मास्टर प्लेट पर इन्होंने इसको फैला दिया और उसके बाद एक नया वेल्वेट पेपर लिया और वेल्वेट पेपर को इसके ऊपर दबा दिया, दबाकर प्रेस करके एक नई प्लेट बनाई। उस पर क्या हुआ? उस वेल्वेट पेपर पर इन बैक्टीरिया के इम्प्रिंट्स आ गए, छाप आ गई, इम्प्रिंट्स बन गए, चिन्ह बन गए, और इस प्रकार जो इन चिन्हों से एक नई प्लेट बनी जिसे न्यू रेप्लिका प्लेट इन्होंने कहा। इस न्यू रेप्लिका प्लेट को पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक के मीडियम में रखा तो इन्होंने देखा इस रेप्लिका प्लेट से पेनिसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनी बन गई, बैक्टीरिया की ऐसी कॉलोनीज बन गई, उनका ग्रोथ हुई जो पेनिसिलिन के प्रति क्या थी, जिनमें प्रतिरोधी क्षमता थी, उनका निर्माण इसमें हुआ, और जिनमें पेनिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी उनमें उन कॉलोनीज की ग्रोथ नहीं हुई। इससे यह निष्कर्ष निकला कि
अनुकूलन पूर्व ही, अनुकूलन से पहले ही इनमें उत्परिवर्तन हो गया था। इससे सिद्ध हो गया कि एडेप्टेशन का जो आधार है वो क्या है, आनुवंशिक है, यानी कि जेनेटिक है। अब आता देखिए अनुकूलन के प्रकार। अनुकूलन जलीय होते हैं, जल में पाए जाने वाले जीवों में, जो जीव जल में पाए जाते हैं उनमें जल के अनुसार क्या हो जाता है, उनकी त्वचा स्मूथ हो जाती है, चिकनी हो जाती है, तैलीय हो जाती है, सल्क पाए जाते हैं त्वचा पर, गिल्स पाए जाते हैं, आंखों पर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन यानी निमेशक पटल पाया जाता है, अंतःकरण पाए जाते हैं। तो ये जलीय अनुकूलन है, वायु में रहने वाले पक्षियों का जो शरीर है, वायु वायवीय अनुकूलन होते हैं। वायु में रहने वाले पक्षियों का शरीर क्या है, वायु में जो जीव रहेंगे उनका शरीर नौकाकार होगा, शरीर पर पंख पाए जाएंगे, ठीक है, और पूंछ पाई जाएगी दिशा परिवर्तन के लिए ये, और इनकी हड्डियां खोखली होंगी और शरीर हल्का होगा। ये वायवीय अनुकूलन होते हैं। और मरुस्थलीय अनुकूलन, मरुस्थल में पाए जाने वाले जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनके शरीर में अलग अलग प्रकार के एडेप्टेशन पाए जाते हैं। जैसे ऊंट है तो उनके पैर क्या होंगे, तलवे जो है उनके चौड़े होंगे, उनका पैर का साइज जो है ना चौड़ा होगा रेत में चलने के लिए, मरुस्थल पर चलने के लिए, और पानी के लिए, क्योंकि पानी की कमी होती है तो उनके शरीर में पानी की एक थैली पाई जाती है और रिजर्व फूड के रूप में इनमें कुबड़ पाया जाता है। ऐसे ही जो प्लांट्स होंगे मरुस्थलीय उनमें क्या अनुकूलनता होगी, उनकी पत्तियां कटी फटी होंगी, तना मांसल होगा, जड़े गहराई में स्थित होंगी और वाष्पोत्सर्जन कम हो, इसलिए उनमें लेटेक्स पाया जाएगा, यानी कि एक दूध जैसा पदार्थ उनमें भरा रहता है। चलिए ये आप लोगों ने देखा अनुकूलन के प्रकार के, किस प्रकार जलीय वायवीय और मरुस्थलीय अनुकूलन जीवधारियों में होते हैं। अब देखते हैं अनुकूलन में होने वाले परिवर्तन। देखिए अनुकूलन में जो हमारा शारीरिक बनावट, अनुकूलन में जो होने वाले परिवर्तन है, सबसे पहला है बॉडी कंटूर, शारीरिक बनावट। देखिए एटमॉस्फेयर के अनुसार शरीर में क्या है, शरीर कैसा हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, पतला हो सकता है, यानी चपटा हो सकता है, पतला हो जाता है, टॉल लंबा हो जाता है, या सिलेंड्रिकल बेलनाकार हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, या मोटा हो सकता है, हेल्दी हो सकता है। तो ये क्या है, लंबा चौड़ा हो सकता है, तो ये वातावरण के प्रभाव से ही ये शरीर में बदलाव आते हैं, अनुकूलनता आती है। जैसे हेड है तो हेड में जो सिर है, सिर में आंखों की स्थिति है, कर्णों की स्थिति है, ईयर पिन्ना है और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, इनकी स्थिति में परिवर्तन आ जाता है वातावरण के अनुसार। स्ट्रक्चर्स ऑफ लिम्स यानी कि पाद, यानी कि पाद की संरचना, यानी कि हॉर्स है, हॉर्स और कैमिल के जो पैर हैं वो फ्लैट हो जाएंगे दौड़ने के हिसाब से, और जो चमगादड़ के हाथ हैं वो विंग्स में परिवर्तित हो जाते हैं, रैबिट के जो हाथ हैं वो डिगिंग खोदने वाले बन जाते हैं। तो ये परिवर्तन, डक है वेल है, तो इनके जो हाथ हैं या हाथ पैर हैं वो कैसे हो जाते हैं, पतवार जैसे हो जाते हैं, नाव की पतवार। और अंगुलियों की संख्या है अगला जो परिवर्तन है, अंगुलियों की संख्या मनुष्य में 5 होती है, हेना में, हेना की जो उंगलियां हैं उनको डिजिटी ग्रेड फुट कहते हैं और इनमें 4 होती है इनकी संख्या, जो लकड़बग्गा होता है। और हॉर्स में अंगुली ग्रेड फुट कहलाते हैं, अंगुली ग्रेड फुट कहलाते हैं और इसमें 1 होती है। तो ये एडेप्टेशन है। और जो पूंछ है तो पूंछ बैलेंस के लिए होती है और सेफ्टी के लिए होती है, तो ये परिवर्तन एडेप्टेशन के कारण होता है। स्किन और जो त्वचा है जलीय जंतुओं की, चिकनी होगी त्वचा और हेयरी होगी जो टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल में मतलब स्थल पर रहने वाले जो जीव जंतु है उनकी हेयरी होती है। इस प्रकार के अनुकूलन में होने वाले बॉडी में जो परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा, लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मंगल हो।